एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें किम और सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि ओवारो तो मर गई है, पर किम को पता था कि आखिर सच्चाई क्या है। इस वजह से वो उसके सामने जैसे ही गाड़ी आती है वो मोड़ देता है, इस वजह से वो तो उतर कर निकल जाता है। वो कहने लगते हैं मुझे पता ही था कि ये यहाँ पर मिल सकती है, और वो गाड़ी में और कहीं नहीं बल्कि ओवारो ही बैठी हुई थी जो कि जिंदा थी। थोड़ी देर बाद पुलिस को भी दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन चालू रख रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। थोड़ी देर बाद ओआरा के घर पे ये लोग आ जाते हैं, जहाँ पर ओआरा तो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। किम बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर मिली गई मुझे, और वैसे भी वो नेकलेस कहाँ पर है। उसकी इसी बात सुनते ही वो कहने लगती है दरअसल मेरा 1-7 साल का बच्चा है, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात पता होगी, पर यह बच्चा दरअसल मुझे पता था कि वो मर गया है। इस वजह से मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी। इस वजह से मैं तो वहाँ पर फाउंडेशन में एक दिन काम कर रही थी, पर तभी मैं एक आवाज़ सुनती हूँ कि दरअसल उसने कहा था कि हाँ तुम्हें भी ठीक हो ना। इस वजह से मुझे डाउट आया था, इस वजह से मैं उससे पूछने गई तो वो और कोई नहीं बल्कि वही नर्स थी जो कि मेरे प्रेगनेंट के टाइम वो मेरे साथ थी। और वो दरअसल उसने झूठ मेरे से कहा था कि वो बच्चा मर गया है, पर उसने दरअसल सच में खुद के लिए अडॉप्ट किया था, और ये बात मुझे थोड़ी देर बाद उसने खुद से ही बताई थी। और उस हान को उस बंदे के हवाले सौंप दिया था, जहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा हान के साथ बुरा व्यवहार किया था और उसको बहुत ही ज़्यादा चोट भी पहुँचाई थी। इस वजह से मुझे तो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक महसूस हुआ था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी महसूस हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे पास जो भी नेकलेस है वो लेके यहाँ से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि हान भी मेरे साथ है अभी। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रहना सेफ रहेगा। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से जल्द ही अपना शूटिंग निपटा के यहाँ से निकल जाऊँगी। इस वजह से ही मैंने ये सब प्लान किया था पहले ही, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम लोग यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सफाई से काम सभी के सभी किया था, और मेरे पास पासवर्ड भी आ गए थे हान और मेरे। इस वजह से हम लोग ये कंट्री छोड़कर ही जाने वाले थे, इस वजह से हम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। उसकी इसी बात पर किम बोलने लगता है अभी बस हो गया ड्रामा, वो नेकलेस कहाँ पर ये बोल दो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगती है दरअसल काफ़ी कम वक्त रहा है क्योंकि हान का अभी ऑपरेशन होने वाला है, इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी इसी बात पर किम बोलने लगता है मैं यहाँ से बिल्कुल भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक वो नेकलेस नहीं मिलता। हमें दिखाया जाता है वो रोने लगती है, वो कहने लगती है हान को कुछ भी हो सकता है, इस वजह से जल्दी हमें ऐसे जाने दो, वरना वो मर जाएगा तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हान को कुछ भी हो जाए। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी हान बोलने लगता है क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो, और ये अंकल भला कौन है, यहाँ पर हमें क्यों ये डांट रहे हैं। उसकी ऐसी बात सुनते ही हान की तरफ तो वो दिखने लगता है, किम कुछ भी नहीं बोल पाता, पर तभी वहाँ पर युआन बोलने लगती है कि दरअसल तुम चुप हो जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें ज़रूर से नेकलेस दे देगी। उसकी इसी बात पर किम कहने लगता है दरअसल तुम तो उसे फर्स्ट टाइम मिली हो, इस वजह से तुम इतना कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो भला। वैसे भी मैं इस नेकलेस के लिए 20 साल के लिए रुका हूँ, और मुझे नहीं पता है कि मेरे मॉम को किसने मारा है, और वो नेकलेस भी उसी ने चुराया था, इस वजह से मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर उसी को गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने जीन को तो इंजेक्शन मार के बेहोश कर दिया था। हान कह रही होती है कि किसी भी हालत में हमें जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए, वरना हान को कुछ भी हो सकता है। नर्स कहने लगती है तुम ऐसा मत बोलो, हान को हमारे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हमें किम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हान ने ड्रॉइंग किया हुआ उसे देख रहा होता है। जिन कहने लगता है कि दरअसल आप फिकर मत बिल्कुल भी करना क्योंकि मैंने GPS लगाया हुआ है। उसकी इसी बात पर किम बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, इस वजह से जल्दी लोकेशन देखो। उसकी इसी बात पर युआन भी कहने लगती है वाकई में तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग है, तुम दोनों के पास भी। उसकी इसी बात सुनते ही वो लोग इसके तरफ आने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है जहाँ पर ओआरा तो देख रही होती है हान को, जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और वो कहने लगती है कि इस हॉस्पिटल में भी काम नहीं बन सकता, हमें प्लेन का जल्द से जल्द जुगाड़ करना चाहिए। पर तभी वहाँ पर किम आ जाता है, वो कहने लगता है दरअसल मेरा प्राइवेट चॉपर आया है, इस वजह से तुम फिकर मत करो, पर किसी भी हालत में ये बात याद रखना है कि वो नेकलेस मुझे चाहिए, इस वजह से मैं मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं चेंज करूंगा, और तुम जा सकते हो। ये बोलने के बाद उन दोनों को वो छोड़ देता है, और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ तो भी वो कान में बोलकर चली जाती है। उस बात पर हमें बताया नहीं गया कि आखिर उसने क्या बोला था, पर ओआरा काफ़ी ज़्यादा पास आती है और उसे बोलकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद युआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुमने वाकई में अच्छा काम किया, उसको जाने दिया क्योंकि हान की तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो कहने लगता है अच्छा ठीक है, और किम बोलने लगता है दरअसल ये जो ड्राइंग हान ने निकाली है ये और कहीं नहीं बल्कि जॉन के ही वाइफ की है, और इसी ने ही उसे मारा है, इस वजह से ये पुलिस तक पहुंचा दो। ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी बात सुनते ही युआन तो पुलिस को फोन लगा देती है। हमें जॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी पुलिस कस्टडी हो रही होती है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है, जहाँ पर पुलिस कहने लगता है कि ज़्यादा चालाक मत बनो क्योंकि तुमने ही उसका मर्डर किया है, इस वजह से मुझे पता है तुम्हारे घर में काफ़ी ज़्यादा खून मिला है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है खून तो मिला है पर एविडेंस है तुम्हारे पास। उसकी इसी बात पर पुलिस बहुत ही ज़्यादा
गुस्से में आ जाता है। तभी उसको पुलिस ऑफिसर आके वो आर्ट का फोटो दिखाती है और वो कहने लगती है दरअसल ये आर्ट हमें किसी अनजान बंदे ने भेजा है। उसकी इसी बात पर वो दरअसल जॉन के घर के तरफ ही जाते हैं और वो आर्ट के मुताबिक खोदने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जॉन की ही पत्नी होती है, जहाँ पर उसने उसका मर्डर कर दिया होता है। ये सब चीज़ें ओआरबी न्यूज़ में देख लेती है कि दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है मुझे पहले से ही शक था कि दरअसल ओहारा बिल्कुल भी मरी नहीं है और उसका जिस हिसाब से रूम उसने डेकोर किया था और नकली सैंपल खून का रखा था उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल पहले ही आइडिया लग गया था कि ये सब चीज़ें दरअसल जानबूझ के लिए ही की गई है, क्योंकि उसे ऐसे ही थोड़ी ना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये बोलने के बाद वो लोग घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वो उतर जाता है और किम कहने लगता है दरअसल तुम मेरे एक काम करना, और वो यन से बोलने लगता है दरअसल तुम मेरे अभी साइन और अभी से तुम मेरे लिए असिस्टेंट करके काम करोगी और इस वजह से मैं एग्रीमेंट तुम्हें देना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनते ही यौन तो वहाँ से निकल जाते हैं, जिनके नहीं लगता ये ऐसे ही हमारे हाथ नहीं लगेगी बॉस। उसकी ऐसी बात पर वो कहने लगता है नहीं नहीं लगेगी वो हाथ में, और थोड़ी देर बाद वहाँ से किम भी चला जाता है। हमें दिखाया जाता है युआन काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाती है और वो सोचने लगती है, वो कहने लगती है मैं दरअसल जिसे चोट सोच रही थी उसकी तो मम्मी की भी हत्या की गई है किसी ने, और मुझे नहीं पता कि किसी ने की है, पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने गलत इंसान के ऊपर शक किया है और मुझे मेरा तो ड्रेस रह गया। और ये बोलने के बाद वो ड्रेस ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसकी गाड़ी तो लॉक थी, इस वजह से वो सोचती है कि दरअसल लॉयर के घर पे चला जाए, और वो लिन के घर पे आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि किम कहाँ पर हो तुम, पर उसका डोर तो ओपन था इस वजह से वो तो घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर चेयरमैन का ऑफिस था, और वो ऑफिस देखने के बाद वो कहने लगती है ये तो बहुत ही ज़्यादा वाकई में बड़ा है, और वो एक लाइब्रेरी के यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुक्स रखे थे। वो कहने लगती है अक्सर मैंने मूवी में देखा है कि इस बुक्स को ओपन ऐसे ही करने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा डोर ओपन होता है, तभी वो डोर ओपन हो जाता है। ये देखने के बाद वो कहने लगती है कि ये वाकई में डोर तो ओपन हो गया, इस वजह से वो डोर से अंदर आ जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड घर होता है। वो कहने लगती है ये वाकई में मूवी में दिखाया जाता है वैसा ही दिख रहा है। तभी वहाँ पर किम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके दरअसल अंडरग्राउंड घर में कोई आया है। तभी वो देखती है कि किम वहाँ पर उसके तरफ आने लगता है, इस वजह से वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है। और तभी दिखाया जाता है किम तो उसका ड्रेस पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तभी वो देखता है कि सामने युआन खड़ी है, और किम तो बोल रहा होता है कि ये वाकई में क्यूट ड्रेस है। युआन कहने लगती है तुम्हें क्या ये वाकई में पसंद आया, नहीं नहीं तुम पहनो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, और ये वाकई में तुम पे काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, इस वजह से तुम ही रखो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसकी इसी बात सुनते ही वहाँ पर लिन जिन भी आ जाता है, वो कहने लगता है बॉस ये क्या कर रहे हो आप, और वो उसे कोट दे देता है। किम बोलने लगता है दरअसल मुझे ऐसा लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुई है। जिन बोलने लगता है हाँ हाँ हमारे बॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है, इस वजह से उनको ऐसा ड्रेस नहीं पसंद। उसकी इसी बात पर युआन बोलने लगता है अच्छा फिर ठीक है मेरा ड्रेस दे दो, वैसे भी ये मेरा रिवॉर्ड है। उसकी इसी बात पर किम कहने लगता है कि ये तो ड्रेस तुम लेने नहीं वाली थी ना, वो कहने लगता है दरअसल ये मेरे हार्डवर्क का रिवॉर्ड है, इस वजह से मैं इस ड्रेस को लेके जाती हूँ। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद युआन तो फिर से घर आ जाती है। उसके दोस्त कहने लगते हैं युआन तुम तो बहुत ही ज़्यादा अभी तेज हो रही हो, वैसे भी तुमने बहुत ही ज़्यादा कम दिनों में मस्त अर्निंग कर ली है, ये जॉब बिल्कुल भी तुम छोड़ो मत। उसकी इसी बात पर युआन कहने लगती है हाँ हाँ नहीं छोड़ूंगी, और वो ड्रेस दिखाने लगती है। उसके दोस्त कहने लगते हैं दरअसल ये ड्रेस तुम अगर पहनना नहीं चाहती तो इसे बेच दो, क्योंकि वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा महंगा बेच सकता है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगती है अच्छा आइडिया है, और युआन भी खुश हो जाती है। उसकी दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी में सो जाती है। जिन कहने लगता है दरअसल तुम्हें कान में ओहारा ने क्या कहा था, उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है दरअसल उसने कहा था कि सावधान रहना। ये बोलने के बाद जिन भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और किम भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था। थोड़ी देर बाद युआन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर वो कैसा दिख रहा होता है, और वो दरअसल और कहने बल्कि किम के बारे में ही सोच रही होती है। वो कहने लगती है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और वो सो जाती है। वो कहने लगती है दरअसल मैंने आखिर वो फोटो देखा था, वो लेडी आखिर कौन थी, वो किम की मम्मा तो थी पर उन्हें कहीं तो भी देखा देखा लग रहा है। तभी हमें एक अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि युआन भी दरअसल एक अनाथ बच्ची थी, और एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पिटते हुए देख रही होती है, और उसको किसी ने तो भी मारा था, पर तभी युआन उठ जाती है। वो कहने लगती है कि आखिर वो कौन लड़की थी। नेक्स्ट डे किम का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तो अपना काम करने के लिए आ गया होता है। वो मैनेजर कहने लगता है दरअसल किम
आप जो डिसीजन ले रहे हो ये जरा सोच समझ कर लेना, क्योंकि हमारा ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। उसकी इसी बात पर किम कहने लगता है, दरअसल मुझे पता है कि आखिर कैसा डिसीजन लेना चाहिए, इस वजह से आप टेंशन लो मत। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। किम को थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि ये दरअसल कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, पर वो इग्नोर कर देता है। वो कहने लगता है, आप दरअसल बिल्कुल फिक्र मत करना, मैंने जो कहा है वही इस हिसाब से करना। तभी दूसरा मैनेजर आ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसकी इसी बात सुनते ही किम कहने लगता है कि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आज गुस्से में दिख रहे हो, इतना भी ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है, हाँ हाँ कौन सी कर रहा है भला, मुझे सेहत की बात है। उसकी इसी बात पर किम कहने लगता है, दरअसल मैं एक बात पूछूँ कि वो उस रात में लड़की तुम्हारे साथ कौन थी भला, क्या तुम उसे जानते हो? क्योंकि जिस तरह से तुम उससे बात कर रहे थे, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी लड़की की तरफ तुम ऐसे बात कर रहे हो, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है अगर जानते होगे तो उससे मुझे भी मेरी बात करवा दो। उसकी इसी बात सुनते ही वो कहने लगता है, दरअसल मैं तुम्हारी नई बात करवाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट में नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वो अपने छोटे मैनेजर को बोलता है कि दरअसल जितना कहा है उतना ही करो, और बिल्कुल भी आगे आगे मत कहो, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। किम कहने लगता है, उनकी बातें यहाँ तक सुनाई नहीं दे रही है ना? उसकी इसी बात पर वो हाँ हाँ बोलने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो चेयरमैन है। वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है, चेयरमैन आप इधर, वैसे भी मैंने आपको उस दिन हॉस्पिटल में देखा था। वो कहने लगता है, क्या मुझे, मैं भला क्यों वहाँ पर होऊंगा? और वो बातें बनाने लगता है। वो कहने लगता है, दरअसल मेरी भी बहुत ही ज़्यादा मीटिंग थी। उसके इसी बात पर वो कहने लगता है, अच्छा चेयरमैन मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ था कि आप हो सकते हो। किम कहता है, ढंग से आप पहले अपना बेल्ट पहनो। इसकी इसी बात सुनते हैं वो बेल्ट चेक करने लगता है। वो कहने लगता है, आखिर इनको कैसे पता? और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर से कर देना।